लगे तेरे बिना, एक पल न कटे तेरे बिना, जीना मुश्किल तेरे बिना, रहना मुश्किल तेरे बिना। सांसों का तुझसे बंधन, तू है मेरे दिल की धड़कन, कहे दिल मेरा आजा दिल रुबा, बाहों में तुझको भर लूं। साजन तू मेरा साजन, मैं हूँ घटा तू सावन, तू है जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ, संग संग तेरी मैं चलूं। चाहत मेरी, मोहब्बत तेरी, तू है हसरत मेरी, अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरे मैं तेरे बिना, ये दिल न लगे तेरे बिना, एक पल न कटे तेरे बिना, जीना मुश्किल तेरे बिना, रहना मुश्किल तेरे बिना, ये कैसा रोग हमको है लगा, कटे न दिन आँखों में है रत जगा, हर लम्हा तेरी तमन्ना, अधूरी मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना, ये दिल न लगे तेरे बिना, एक पल न कटे तेरे बिना, जीना मुश्किल तेरे बिना, रहना मुश्किल तेरे बिना। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होकर रह गया। मंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी दौलत खर्चा की थी मैंने, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। तुम इतने बदनाम हो चुके हो कि अब तुम्हारा इलेक्शन में भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, तुम ही एक अकेले बच्चे थे तो तुम भी मेरी बेइज्जती करो। भविष्य के बारे में भी कुछ सोचो, एक ही रास्ता बचा है, सारे धंधों को बंद करके हम अंडरग्राउंड होकर बैठ जाएं। यही ठीक रहेगा। सुनो, हमारी ये जगह छोड़ने से पहले प्रशांत को कत्ल कर दो, उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लो, इसे देखो, ये हमारी शादी का एल्बम। थैंक यू जी। इसमें देखो कैसे सारे लोग खुश हैं। कैसे सर पे पट्टी बांध कर बैठी हूँ, फिर भी अच्छी लग रही हूँ। अरे ये देखो, हमारी कविता कैसे मुस्कुरा रही है। ये मेरे ससुर जी, और ये रही मेरी सबसे प्यारी सहेली ननद है तेरी। ये हमारे शादी के एल्बम में कैसे? किसकी बात कर रही है? उसके बारे में जो हम लोगों के बीच में खड़ा है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो वहाँ पर कैमरा लेकर मौजूद था। मेरे साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है, जिसके कारण मैं अंधी हो गई थी, उसके लिए ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। ये क्या कह रही है? तुम होश में तो हो? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इस सच से पहचानती हूँ। जो लोग वीडियो फिल्म बनाते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मानिए। शाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चलो देखते हैं। प्रशांत कहाँ है? वो दिल्ली गया है सर। बताओ, सच बताओ सर। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं जरूर देखी है,
कि हर बार नया आदमी आता है और प्रशांत से बड़ी चुपचाप बातें करता है और चला जाता है। मैं तो खुद ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ सर। वो लोग कौन है जो उससे मिलने आते हैं? मुझे ये सब तो नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग या तो मंत्री रामशंकर की कार में या प्रिंस वीडियो के मालिक भवानी शंकर की कार में आया करते हैं। मुझे माफ कीजिए ससुर जी, मैं ये जानती नहीं कि प्रशांत मेरा देवर होगा। शादी से पहले मैंने उसे कभी देखा नहीं था। अगर मैं उसके बारे में सच ना बताती तो ये अच्छा होता। बेटी अपने आप को मत कोसो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर वाकई में वो मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन पिताजी आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, अगर प्रशांत उसके सामने आ गया तो वो उसे मार डालेंगे। भाई साहब, एसपी साहब आए थे क्या? हाँ मैडम, और प्रशांत के बारे में पूछ रहे थे। मैं माफी के लायक भी नहीं। ऐसी बातें मत करो प्रशांत। भाभी बात यह है, मैंने बहुत से जुर्म किए हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए हैं। भवानी शंकर और राम शंकर ने मुझे ब्लैकमेल किया, उन्हीं दोनों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। मैं मजबूर था भैया, मैंने जुर्म किए हैं, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। प्रशांत भैया, तुम्हारा भाई मुजरिम नहीं है। हालात ने मुझे ये घिनौना काम करने पर मजबूर कर दिया था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। भैया मुझे एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया, भाभी ने शादी के मौके पर जो कहा था वो याद है? उन्होंने कहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, मैं फिर आपका बेटा बनकर वापस आऊंगा। भैया प्रशांत, मुझे माफ कर दो। मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका।